हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं एक प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाने की सोच रहा था। मुझे ये लगता था कि इसको अगर हम पैक करते तो हमें 2 से 3 या 3 से 4 रुपए का मार्जिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर जब मैंने उसकी पूरी डिटेल निकलवाई, हर चीज़ उसकी पता करी, तो पता चला कि हमें उस पर कम से कम 10 रुपये किलो का मार्जिन होगा और ये मार्जिन 15 रुपये किलो तक जा सकता है। तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में हर दुकान पे बिकता है, हर घर में यूज होता है, और ये खुला भी बिकता है और ये पैक होके भी बिकता है। मतलब मार्केट में दोनों तरीके से बिक रहा है। अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो। अगर मैं ज़्यादा नहीं कहता, अगर आप इस बिजनेस को ढंग से कर लोगे ना, तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा लोगे। जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बेचकर आप कम से कम 10 रुपये किलो कमाओगे। और कुछ नहीं है, आपको मार्केट से लाना है, 50 किलो का कट्टा आएगा, आपको उसे पैक करना है और मार्केट में सेल कर देना। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं खरीदना है, मतलब कम क्वांटिटी में ही आपको खरीदना है। जैसे आप शुरुआत में 2 कट्टे ले आए, फिर जब वो सेल हो गए या सेल होने को हो गए, तब और माल लाके आपने उसको पैक किया, क्योंकि उसमें पिड़ाई मतलब जो कीड़ा होता है वो जल्दी लगता है, आप इसमें नुकसान भी खा जाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाना है, कम लाना है और इसको मार्केट में सेल करना है। मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ, उसके लूज़ का रेट बता देता हूँ, पैकिंग का रेट बता देता हूँ, प्रॉफिट बता देता हूँ, सब आपको डिटेल दे देता हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वो प्रोडक्ट है सूजी। सूजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है और आपका ये प्रोडक्ट हर दुकान पर बिक जाएगा। ये मार्केट में बिक भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा है। आपको क्या करना है, जो इसका कट्टा आता है 50 किलो का, वो आज की डेट में, आज की जो डेट है उसमें 1350 रुपये का है, मतलब 2700 रुपये किलो आपको लूज में मिल रहा है। और आपको इस तरीके की आधी किलो 1 किलो की पैकिंग अगर आप बनाते हो, तो वो जो आधी किलो की पैकिंग है वो 30 रुपये में दुकान पे बिक रही है। मतलब एक रिटेलर एक ग्राहक को 30 रुपये के हिसाब से दे रहा है, तो मतलब 60 रुपये किलो हो गया। आधी किलो का पैकेट 30 रुपये के हिसाब से दे रहा है। और अगर आप इसको पैक करोगे, मान लो 27 रुपये किलो आपको मिला, 27 रुपये के बाद आपको पैकिंग कॉस्ट आएगी। मैं पैकिंग के लिए आपको पन्नी दिखा देता हूँ पहले, ये देखिए, इस तरीके की पन्नी आपको मार्केट से मिल जाएगी, चांदनी चौक बतासा गली में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। आपको इस तरीके की पन्नी मार्केट से लेनी है, ये आपको 50 से 60 पैसे की एक पाउच मिल जाएगा। मतलब आप 2 पाउच लगाते हो 1 किलो के अंदर, आधी आधी किलो की बनाते हो, तो आपके 28 रुपये की कॉस्ट होगी। 27 रुपये आपका ये, 28 रुपये की पैकिंग हो गई, और 2 रुपये आप इसको लाते हो और पैक करते हो उसका एक्सपेंस मान लीजिए, मतलब 30 रुपये में आपके 2 पैकेट तैयार हो जाएंगे 1 किलो में। ठीक है, आपका आधी किलो का एक पैकेट 15 रुपये का पड़ा और जो दुकानदार उसे 30 रुपये में बेच रहा, तो आप उसे दुकानदार को 22 रुपये 23 रुपये 24 रुपये छोड़ो, आप 20 रुपये ही दे दीजिए। 20 रुपये भी अगर देते हो तो आपको 5 रुपये आधी किलो के पैकेट पे प्रॉफिट होगा और 1 किलो पे आपको 10 रुपये का मार्जिन होगा। मतलब सिर्फ आपको लूज माल को पैक करके 10 रुपये किलो का फायदा होगा। दोस्तों, 10 रुपये किलो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये 1350 रुपये मैंने वो रेट बताया है जो दुकानदार को लूज में मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक दुकानदार से पता किया था सूजी का रेट, तो उन्होंने मेरे को 1350 बताया। मतलब अगर दुकानदार कोई कट्टा लेता है तो 1350 का मिलता है। अगर आप किसी बाहर से लेते हो, किसी होलसेलर से लेते हो, तो आपको वो सस्ता मिल सकता है, क्योंकि आप होलसेल में लोगे उसे, मतलब 2-3 कट्टे लोगे, पर इससे ज़्यादा मत लेना क्योंकि इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से सील रखोगे, ज़्यादा दिन तक नहीं रखोगे, तो ये कीड़े नहीं लगेंगे, पर लूज माल में जल्दी लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हो तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लोगे। अब मैं तो इसमें सोच रहा था कि इसमें 2 से 3 रुपये का ही मार्जिन होता होगा, पर नहीं, इसमें कम से कम 10 रुपये का मार्जिन है। अगर आप 20 रुपये से ऊपर जितना भी बेच सको, उतना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूँगा, लूज प्रोडक्ट को छोड़ के आप उसको पैक करने पर ध्यान दो। जितना आप पैक करके बेचोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाओगे। लूज में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला,
पैकिंग में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यही पावर है पैकिंग बिजनेस की। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो आपको मार्केट से मिल जाएगा, सूजी आपको अपने नियर बाय में कहीं भी मिल जाएगी, आराम से सर्च कर लेना मिल जाएगी। मतलब दोस्तों ये मत देखना कि भाई फिर मेरे को कमेंट करो कि 27 नहीं मिल रही, 26 में 27 नहीं मिल रही, 28 मिल रही है या 26 मिल रही है, या जो भी हो वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेना ना। मान लो यहाँ 27 मिल रही है, क्या पता आपके वहाँ 26 मिल जाए, क्या पता आपके वहाँ 28 ही मिले, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। और कर बस आप बिजनेस करने पे फोकस करो और प्रोडक्ट का जो आइडिया मिल रहा है उस पे फोकस करो, रेटों पे और मार्जिन पे जो बताया जाता है उस पे ज्यादा फोकस मत किया करो। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस को आप ढंग से करोगे ना, अगर मैं आप उसमें 10 रुपए बता रहा हूं, अगर आप उसे ढंग से कर लोगे तो 15 भी बच सकते हैं, और जिसको मैं 50 रुपए बता रहा हूं अगर ढंग से नहीं करोगे तो उसमें 10 ही रुपए बचेंगे। तो किसी चीज पे फोकस मत किया करो, सिर्फ बिजनेस आइडिया पे फोकस किया करो। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।